Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 13 काल और वाच्य टेंस एंड वॉइस. काल टेंस. निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए. धोबी ने कपड़े धोए. धोबी कपड़े धोता है. धोबी कपड़े धोएगा. उपरोक्त लिखे तीनों वाक्यों में पहला वाक्य बीते हुए समय का, दूसरा वाक्य वर्तमान समय का तथा तीसरा वाक्य आने वाले समय का बोध कराता है. अतः उपरोक्त तीनों वाक्यों से काल के तीनों रूपों के विषय में पता चलता है. क्रिया से कार्य करने या होने के जिस समय का बोध होता है उसे क्रिया का काल कहते हैं. काल के भेद काइंड्स ऑफ टेंस. काल के तीन भेद होते हैं, काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल. एक वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, जो समय अब चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं. इस काल की क्रियाओं के साथ प्रायः है हो जुड़े रहते हैं. जैसे एक वह प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है. दो हम लोग आज घूमने जा रहे हैं. तीन तुम बहुत बोलते हो. चार मैं शाम को व्यायाम करने जाता हूँ. दो भूतकाल पास्ट टेंस, जो समय पहले बीत चुका उसे भूतकाल कहते हैं. इस काल की क्रियाओं के साथ था थी थे थी शब्द आते हैं. या क्रियाएं आकारांत इकारांत और ओकारांत होती है. जैसे एक हमने यह पाठ पढ़ लिया था. दो वे लोग कल आ गए थे. तीन तुम कल इस समय रो रहे थे. चार उसने एक सुंदर कार्ड बनाया था. तीन भविष्यत काल फ्यूचर टेंस, जो समय आने वाला है उसे भविष्यत काल कहते हैं. इस काल की क्रियाओं में गा घी गे जुड़े रहते हैं. जैसे एक आज स्कूल में निबंध प्रतियोगिता होगी. दो तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी. तीन अलीगढ़ के लोग नुमाइश देखने जाएंगे. चार अमर उजाला आज नहीं आएगा. वाच्य बॉयस निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए. एक वह समाचार पत्र पढ़ती है. दो मेरा स्कूल का काम पूरा हो गया. तीन अब मुझसे यह दूध नहीं पिया जाएगा. उपर्युक्त वाक्यों से ज्ञात होता है कि पहले वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, दूसरे वाक्य में कर्म की प्रधानता है और तीसरे वाक्य में भाव की प्रधानता है. इस प्रकार क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया के विधान का मुख्य विषय करता है या कर्म अथवा भाव, उसे वाच्य कहते हैं. वाच्य के भेद काइंड्स ऑफ वॉइस. वाच्य के तीन भेद हैं. एक कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होती है वह वाक्य कर्तृवाच्य में होता है. जैसे एक राधा गीत गाती है. दो शीना ने अपने सभी पुराने कपड़े उठाकर रख दिए हैं. तीन अर्जुन की माँ आ रही है. उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं राधा शीना और अर्जुन के अनुसार प्रयोग हुई है, जो इन वाक्यों के कर्ता है. अतः ये वाक्य कर्तृवाच्य के हैं. याद रखिए, रिमेम्बर, कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है. दो कर्मवाच्य पैसिव वॉइस, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं. जैसे एक राधा से गीत गाया जाता है. दो चोर शीघ्र ही पकड़े जाएंगे. तीन बढ़ई द्वारा मेजे बना दी गई. उपर्युक्त वाक्यों में गीत चोर और मेजे वास्तव में कर्म है तथा वाक्यों में इन्हीं के अनुसार क्रियाओं का प्रयोग किया गया है. अतः ये वाक्य कर्मवाच्य में है. याद रखिए, रिमेम्बर, कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है.
तीन भाववाच्य इम्पर्सनल वॉइस जिस वाक्य में क्रिया कर्ता या कर्म के लिंग या वचन के अनुसार नहीं होती वरन वाक्य के भाव के अनुसार होती है वह वाक्य भाववाच्य में होता है जैसे एक अब उससे नाचा नहीं जाएगा दो इतना अत्याचार सहा नहीं जाता तीन काज मुझसे देखा नहीं गया उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया का प्रयोग कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं हुआ है वरन भाव के अनुसार हुआ है अतः ये वाक्य भाववाच्य के हैं। याद रखिए रिमेम्बर भाववाच्य में सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता केवल अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है याद रखने योग्य तथ्य पॉइंट्स टू रिमेम्बर क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं काल के तीन भेद होते हैं वर्तमान काल भूतकाल और भविष्यत काल जो समय अब चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं जो समय बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं जो समय आगे आएगा उसे भविष्यत काल कहते हैं वाच्य के तीन भेद होते हैं कर्तृवाच्य कर्मवाच्य और भाववाच्य लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब